गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 17.8, 17 नंबर चैप्टर के 17.2, 3, 4, 5, 6 के कुछ वीडियोस हैं, वो मैंने पहले डाल चुके हूँ। 17.8 बाकी था, बहुलक जिसको हम मोड बोलते हैं। आज मैं बहुलक और मोड कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मोड बहुलक होता क्या है। जैसे पहले वीडियोस पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, क्या होती है, किस प्रकार से होती है। जैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही मोड होता है। सिंगल क्वेश्चन आ जाता है, 4x दे रखा है, 4, 5, 6, 7, इसकी एफ दे दी 7, इसकी 9, इसकी 11, इसकी 13। तो हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 13, तो एक्स की वैल्यू 7, तो हमारा जो मोड है वो हो जाता है 7। लेकिन क्वेश्चन वो जिसमें क्लास हो, जिसमें ग्रुप हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका बहुलक कैसे निकाले, उसका मोड कैसे निकाले, जो इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्क क्वेश्चन आपका बिल्कुल दे रखा होगा। वर्क दे रखा है, क्लास दे रखी है, एफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है। हमें क्या करना है, यहां से पहचानना है। हम ये देखते हैं बार फ्रीक्वेंसी में, बारंबारता में, कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हमने देखा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 16 है, तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है हम उसके ऊपर बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी वो F1, ठीक उसके ऊपर वाली F0, और एक के बाद में आता है 2, तो 12 हो जाएगी आपकी F2। इससे पता चल जाएगा F0 कौन सी है, F1 कौन सी है, F2 कौन सी है। और जिस क्लास पे हमने गोला बनाया था, जिस बॉक्स बनाया था, हमें पता चल गया कि वो ग्रुप कौन सा है। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्ग यानी कि ग्रुप। इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे अधिक बारंबारता 16 है, इसलिए सो, इंग्लिश में सो, तो हम लिखेंगे ग्रुप 20 to 25। इसपे हमने ग्रुप पहले ही गोल बॉक्स बनाया था, ग्रुप बना दिया। लोअर लिमिट क्या होती है, पहले बता चुका हूं। लोअर लिमिट होती है निम्न सीमा, पहले का जो वर्ड होता है लोअर लिमिट, बीच में जो गैप है वो होता है एच, यानी कि एच हमारा हो गया 5, 20 से 25 के बीच में 5 का अंतर है। F1 हमारा हो गया 16, F0 हमारा हो गया 7, एंड F2 हमारा हो गया 12। हमने सारी वैल्यूज लिख दी। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोड बहुलक का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला को लर्न करना। मोड का फॉर्मूला L+F1 -F0/2F1 -F0 -F2 (H). L की जगह L की वैल्यू 20 प्लस F1 की जगह 16, F0 7 2 2 F1 16 -F0 7 F2 12 (H) की जगह H की वैल्यू 5, 20 20 16 -7 = 9, 2 × 16, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, 7 माइनस का 12 भी माइनस का, दोनों को हम करते हैं माइनस माइनस के प्लस, तो माइनस के हो गए 19। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 32 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 13, 20 20। 45 को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर आता है 3.46। हमें पॉइंट के बाद में मिनिमम दो डिजिट लेनी है। 20 + 3.46 को हम प्लस करेंगे, आंसर आता है 23.46। ये हमारा आंसर हो जाता है, 23.46 जो आता है ये हमारा इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, आंसर कैसे निकालना है, पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में 20 में प्लस करना है, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी चैप्टर का 17.8 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनमें सब में मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। इस क्वेश्चन को देख करके आप पीछे जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं उनको आसानी से आप कर पाओगे। और आपको कितना समझ में आता है, आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, या आपको इसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं अपना। मैं वेट करूंगा और आप वीडियोज को जितना हो सके उतना ज्यादा आगे फैलाएं, ताकि जो घर बैठे स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इनको पढ़ सके। और नेक्स्ट वीडियो 17.7 शायद मेरे हिसाब से एक माध्यम, जिसको हम मीडियम्स बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं,
कोई बकाया है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। थैंक यू, जय हिंद, वेलकम।